25 वर्षीय स्नेहा पाटिल एम्स्टर्डम में रह रही थी। वो जून 2012 में एम्स्टर्डम के लिए रवाना हुई और अब एक साल बाद 15 जुलाई 2013 में उसका शव पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर सूटकेस के अंदर पड़ा मिलता है। उसकी पहचान में ईगल टैटू ने अहम रोल निभाया। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब ये पता चलता है कि स्नेहा किसी संजीव मिश्रा नाम के आदमी के साथ पुणे में ही पिछले 3 महीनों से दिशा मिश्रा बनकर किराए के फ्लैट में रह रही थी। स्नेहा की सहेलियां पूजा और राधिका उसे जानती हैं। उन दोनों ने संजीव का असली नाम अर्जुन शर्मा बताया। पुलिस जब अर्जुन के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी माँ रिटायर्ड टीचर है। उसकी बहन दीपिका बताती है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि अर्जुन कहाँ है। क्या अर्जुन की बहन दीपिका और उसका कजन शरण पांडे कुछ जानते हैं? अब आगे। मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी जहाँ पे एक लड़की अपने टैटू का इस्तेमाल करती है। वो दरअसल एक लड़की को मार देती है जिसकी बॉडी पर भी हूबहू उसी के जैसा टैटू होता है, और लोगों को ये लगता है कि मारने वाली लड़की ही मर गई है। मर्डर केस होगा अर्जुन। क्या मरने वाली सच में स्नेहा पाटिल ही थी? स्नेहा और अर्जुन की लव स्टोरी में ऐसा क्या था जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला? या फिर कोई था जो इस बारे में जानता था और अब तक चुपचाप सिर्फ तमाशा देख रहा था? फरवरी 2012 तक अर्जुन शर्मा हमारे यहाँ जॉब कर रहा था। उसके बाद कहाँ ज्वाइन किया अर्जुन ने? पता नहीं मैडम। मिस्टर गरेवाल, क्या चंडीगढ़ में आपकी कोई ब्रांच ऑफिस है या कोई और कंपनी जहाँ अर्जुन ज्वाइन कर सकता हो? नो मैम, कोई अंदाजा नहीं। उसने हमारे यहाँ से अचानक जॉब छोड़ दिया था। रेजिग्नेशन? कहाँ जा रहे हो? कौन सी कंपनी? सर अभी मैं कहीं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन मार्केट अभी डाउन है। मेरी मानो जब तक कुछ नया नहीं मिल जाता तब तक यहीं टिके रहो, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। सर मैंने कुछ सोचा है। क्या खुद का कुछ करोगे? जी सर। अर्जुन ये सही वक्त नहीं है न्यू स्टार्टअप के लिए। सर मैंने प्लान बना लिया है और मैं अपना फैसला भी बदल नहीं सकता। हमने फेयरवेल पार्टी भी रखी थी पर आखिरी वक्त तक उसने बताया नहीं वो आगे क्या करने वाला है। पर मैम आप अर्जुन को क्यों ढूंढ रहे हैं? सस्पेक्ट है वो एक मर्डर केस में। स्नेहा पाटिल था नाम लड़की का। वो ईगल टैटू वाली लड़की? जी हाँ। मिस्टर गरेवाल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जी बोलिए मैम। क्या आप पता कर सकते हैं अपने ऑफिस में कि क्या कोई एम्प्लॉय है जो अर्जुन के टच में हो, या फिर किसी को भी कुछ भी मालूम अर्जुन के बारे में? अर्जुन ने अपना नाम तक बदल लिया, संजीव मिश्रा बन गया है। उसने अपना नाम बदल लिया? हेलो, दीपिका शर्मा, सब इंस्पेक्टर देशमुख बोल रहा हूँ। पूछताछ करनी है तुमसे। सर मुझे जो कुछ भी पता था मैंने शीतल मैम को सब बता दिया है। लेकिन ये तो नहीं बताया कि तुम अर्जुन के साथ टच में थी। हमारे पास अर्जुन के फोन रिकॉर्ड्स हैं। संजीव मिश्रा के नाम पर सिम यूज करा था अर्जुन। तुम्हें और शरण पांडे दोनों को कॉल्स किए थे उसने। शरण पांडे ने अपना फोन क्यों बंद किया? कहाँ है वो? सर मैं नहीं जानती हूँ। है कौन के शरण पांडे? मेरा कजन है सर। मतलब अर्जुन का भी कजन, राइट? जी। ऑटो रेलवे स्टेशन। सूटकेस में डेड बॉडी थी ये मालूम था तुम्हें? सर अंदर क्या है ये ड्राइवर को कैसे पता चलेगा? मेरा तो गाड़ी खड़ी करने का टाइम हो गया था, घर ही जा रहा था मैं कि इस आदमी ने मुझे हाथ दिखाया, मैं रुक गया। ये था? हाँ सर यही था। स्टेशन बैठिए। मैंने सूटकेस को डिक्की में रखने में मदद भी की थी साहब, उसमें लाश होगी ये मुझे पता नहीं था साहब। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो सूटकेस में डेड बॉडी लेकर जा रहा है। अब सर मैं उसे सूटकेस खोलकर दिखाने के लिए तो नहीं बोल सकता था ना। अबे टीवी पर हर न्यूज़पेपर में छपा था उसके बारे में, और तू खुद से नहीं आया हमारे पास ये बताने के लिए कि वो सूटकेस तेरी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट हुआ था? सर दिन भर में मैं इतने सूटकेस देखता हूँ कि कैसे ध्यान रहता। पेपर में उसकी फोटो भी तो नहीं छपी थी,
वो तो गोविंद भाई इसको संजीव मिश्रा के नाम से ढूंढ रहे थे। फोटो देखते ही मैं पहचान गया और मैंने ने सब कुछ बता दिया साहब। पूछ लीजिए आप। शरण पांडे 14 जुलाई की रात तक बराबर टच में था अर्जुन। शायद इसने यहाँ के मर्डर के बाद अर्जुन ने संजीव मिश्रा के नंबर से रात 11:15 पर शरण को फोन किया। 11:15 उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि अर्जुन कारवे चौक पर उसको 12:30 मिला था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था। क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम से बोल। शरण एक चीज में हेल्प चाहिए यार, लेकिन कसम का तू किसी को कुछ नहीं बताएगा इसके बारे में। क्या किया तूने, डरा क्यों रहा है? गड़बड़ हो गई है यार, राज को राज रखना है। पहले बता तो किया क्या तूने? दीपिका, अर्जुन तुम्हारे और शरण दोनों के टच में था और हमें यकीन है अर्जुन ने तुम दोनों को उस लड़की के मर्डर के बारे में बताया। अब तुम बताओ, वो लड़की सच में स्नेहा ही थी या फिर यहाँ कोई और साजिश चल रही है? सर मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अर्जुन ने तुमसे मई और जून के महीने में बात की और उसके बाद 13 जुलाई 14 जुलाई को सुबह और रात दोनों टाइम बात की। और हमें यह भी पता है कि स्नेहा का मर्डर उसी फ्लैट में हुआ जिस फ्लैट में अर्जुन और स्नेहा संजीव और दिशा बनकर रह रहे थे। सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि अर्जुन चाहता था हम हमारा मुंबई वाला फ्लैट बेच दें, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया था। सर मुंबई का फ्लैट? जी सर, वो हमारे पापा का फ्लैट। हम कई साल पहले उसी फ्लैट में रहते थे, पापा तो रहे नहीं, तो अर्जुन चाहता था हम किसी भी तरह वो फ्लैट बेच दें और आधे पैसे उसे मिल जाएं। कहाँ थे तुम अर्जुन एक साल से और अब अचानक ये फ्लैट बेचने की बात? दीपिका उस फ्लैट के हम दोनों वारिस हैं और उस हिसाब से हम दोनों का हक बनता है उस फ्लैट पर। तो तुम चाहते हो मैं वो फ्लैट बेच दूं बिना माँ को बताए? दीपिका मुझे माँ को बीच में लाना ही नहीं है। अर्जुन तुम्हें हो क्या गया है? दीपिका मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो घर आओ, माँ से बात करो। दीपिका मैं घर नहीं आ रहा हूँ, तुम वो घर बेचो और मुझे मेरे हिस्से के आधे पैसे दे दो बस। उसे पूछ पूछ कर मैं खुद परेशान हो गई थी सर कि उसे पैसे क्यों चाहिए, पर वो सिर्फ एक ही जिद पे अड़ा हुआ था कि उसे पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए। और तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी माँ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं? जी सर। विनायक जी मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है या आपकी बेटी से उसका क्या ताल्लुक था। झूठ बोल रही है आप। आपके बेटे ने मेरी बेटी को बहकाया, कहीं कहीं इंडिया में छुपा के रखा था उसे। ये एम्स्टरडम वाली कहानी भी उसी की थी और आप कह रही कि आपको पता नहीं? आपको पता था नहीं ना, क्योंकि विनायक जी हमारे बच्चों ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। आपके बेटे अर्जुन ने मेरी बेटी स्नेहा को बहकाया है। मैंने तो सुना है कि उसने अपनी बहन को भी बहकाया था आपका वो मुंबई वाला घर बेचने के लिए। मैं पहली बार सुन रही हूँ ये सब, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया, ना दीपिका ने बताया ना शरण ने बताया कि अर्जुन उनसे बात करता था, ना ही उन्होंने आपकी बेटी स्नेहा का जिक्र किया। तो फिर उसे मारा क्यों? अर्जुन कहाँ है बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके साथ वही करूंगा जो उसने मेरे स्नेहा के साथ किया था, ये मेरा वादा रहा। ना दीपिका ने बताया ना शरण ने बताया कि अर्जुन उनसे बात करता था, ना ही उन्होंने आपकी बेटी स्नेहा का जिक्र किया। तो फिर उसे मारा क्यों? अर्जुन कहाँ है बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके साथ वही करूंगा जो उसने मेरे स्नेहा के साथ किया था, ये मेरा वादा रहा। अगर शरण भागा है तो अच्छा नहीं किया उसने, मुसीबत में पड़ जाएगा। सर शरण को हम यही बोलते हैं कि अगर कुछ किया नहीं तो डरो मत, पुलिस के पास चले जाओ, पर वो हमें बिना बताए चले गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जानता क्या है, अर्जुन ने उसे क्या बताया? कुछ नहीं जानता है वो, मुझे यकीन है। अरे हमने कितनी बार पूछा सुलेखा दीदी को अर्जुन के बारे में, पर वो कुछ बताती ही नहीं थी। पर हम सोच भी नहीं सकते कि अर्जुन स्नेहा के साथ ऐसा कुछ करेगा, हम तो स्नेहा को भी नहीं जानते सर। लेकिन शरण जानता है कि अर्जुन का है, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। 14 जुलाई की सुबह अर्जुन से बात नहीं हुई मेरी, मतलब फोन आया था पर अर्जुन ने नहीं, उस लड़की ने बात की थी। वाह, कई बार पूछा तुमसे लेकिन हर बार तुम अनजान बनने का नाटक करती। सर क्योंकि मैं किसी स्नेहा को नहीं जानती हूँ, फोन पर उस लड़की ने अपना नाम दिशा मिश्रा बताया था। मैं अपने ऑफिस में थी जब इस दिशा ने फोन किया। लेकिन तुम हो कौन दिशा, और ऐसे अर्जुन की तरफ से मुझसे क्यों बात कर रही हो? मैं वाइफ हूँ उसकी, जो उसका है अब वो मेरा भी, और उसी अधिकार से मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि मुंबई का वो फ्लैट बेच दो।
और अर्जुन को उसका हिस्सा दे दो। अर्जुन की वाइफ? हाँ, उसकी वाइफ। मेरे भाई की वाइफ हो तुम, और मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। पर अब जान गई ना, और मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरे हस्बैंड की बहन हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि जल्दबाजी में भी बेचने पर 75 लाख से कम नहीं मिलेगा उस मुंबई के फ्लैट का। तुम मुझे मत बताओ कि वो फ्लैट बेचने पर क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मैं और अर्जुन काफी हैं, हम देख लेंगे। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं केस कर दूंगी तुम पर। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, दिशा या जो कोई भी तुम। ना तो मैं तुम्हें जानती हूँ और ना मैं तुमसे बात करूँगी। और अर्जुन से जाके कह दो अगर उसे मुझसे बात करनी है ना, वो खुद मुझे कॉल करेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी सर। उसने अपना नाम दिशा बताया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसका असली नाम स्नेहा पाटिल है। पुलिस जब अर्जुन को ढूंढते हमारे घर आई थी तो सारी बातें मुझे बहुत अजीब लगी थी सर। पर मैं समझ नहीं पाई कि आखिर मेरा भाई ये सब क्यों कर रहा था। अर्जुन ने किसको मारा थी? वो मरने वाली लड़की स्नेहा ही थी या फिर कोई और? क्या प्लान कर रहे हैं वो दोनों? सर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बता दूं? तुम्हें सब पता है दीपिका, शरण को भी सब पता है, इसीलिए भाग गया वो। सर मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि शरण अर्जुन से कांटेक्ट में था। उसने जब मुझसे पूछा था कि अर्जुन क्या कर रहा है तो मैंने दिशा वाले फ्लैट की बात नहीं की थी सर। पर मैं समझ गई थी कि वो पक्का कुछ ना कुछ जानता है। तो तुमने उसे भी भगा दिया? नहीं सर, सर मैंने नहीं भगाया उसे। हाँ मैंने फोन किया था उसे ये कहने के लिए कि वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दे, पर मुझे नहीं पता सर वो क्यों भाग गया। पुलिस ने अर्जुन शर्मा और उसके कजन शरण पांडे की खोज शुरू की। मुंबई के साथ आसपास के सभी इलाकों की स्टॉक ब्रोकरेज फर्म को इन्फॉर्म कर दो, कहीं ना कहीं जॉब के लिए जरूर जाएं। अर्जुन की फोटो हर जगह पर होनी चाहिए। अर्जुन और शरण किसी भी हाल में मुझे चाहिए। देश के हर रेलवे स्टेशन तक अर्जुन शर्मा और शरण पांडे की फोटो पहुंच चुकी थी। सभी एयरपोर्ट्स को अर्जुन शर्मा और शरण पांडे के लिए अलर्ट कर दिया गया था। देश के हर पुलिस स्टेशन में अर्जुन शर्मा और शरण पांडे की फोटो भेज दी गई थी। अर्जुन और शरण को ढूंढने के साथ ही पुलिस ने अर्जुन और स्नेहा के चंडीगढ़ पहुंचने के बाद के फोन रिकॉर्ड्स और उनके बैंक डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। स्नेहा पाटिल कभी एम्स्टर्डम गई ही नहीं, बल्कि वो तो चंडीगढ़ गई थी और अर्जुन भी उसके साथ ही था। लेकिन उन दोनों ने झूठ बोलकर भागने का ये प्लान क्यों बनाया था? ये एक ऐसा राज था जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं था। क्या किसी को अर्जुन और स्नेहा के इस रिश्ते के बारे में जानकारी थी? मैं मिली थी अर्जुन से विनायक। क्या? मतलब रेखा तुम्हें सब कुछ पहले से पता था और तुमने बताया तक नहीं? और क्या क्या छुपा के रखा है? बाबा ऐसा कुछ नहीं है, आई को तो याद भी नहीं था। वो तो मैंने उनको याद दिलाया कि हम अर्जुन से मिले थे। और क्या क्या याद है और क्या क्या छुपाया है तुमने? बाबा और कुछ नहीं छुपाया है, स्नेहा का बर्थडे था और आप हैदराबाद गए थे, उसके सारे दोस्त घर पर आए थे। दोनों को देखकर मुझे लगा शायद उनके बीच में कुछ है, पर मेरा ये शक उस वक्त यकीन में नहीं बदल पाया था। और बाबा मैंने भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया था। पर अगर ऐसा कुछ था तो तुमने बताया क्यों नहीं रेखा? कैसे बताती जब मैं ही श्योर नहीं थी कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या नहीं। इसीलिए अगले दिन मैंने स्नेहा से बात भी की थी। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जिससे तुमने हमें मिलवाया नहीं, पूजा और राधिका के साथ था। हाँ अर्जुन, वो राधिका का दोस्त है। स्नेहा तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? आई आप मेरे ऑफिस के पियून से मिलेंगी, मैंने तो उसे भी केक खिलाया था। उसे भी पूछ लीजिए कि तुम्हारी बेटी का कुछ चल रहा है क्या उसके साथ। स्नेहा ये कोई तरीका है अपनी आई को जवाब देने का? तो आई ये भी कोई तरीका नहीं है अपनी बेटी के साथ बात करने का, ऐसे बेकार के सवाल पूछने का। सब दिखता है मुझे, देख सकती हूँ और देखा भी था मैंने कैसे वो तुम्हारे होठ के आसपास से केक साफ कर रहा था। अरे सिर्फ केक साफ किया था, किसने किया था? उसने मुझे और ना ही मैंने उसे। क्या भरा पड़ा है आप लोगों के दिमाग में? पर शक तो था ना रेखा, बताना चाहिए था। क्या बोलती विनायक,
हमारी बच्ची ने कभी हमसे सीधे मुंह बात की? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बच्ची हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेगी और ऐसे भाग जाएगी उस अर्जुन के साथ। और बाबा, स्नेहा ने मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा था, बल्कि उसके दोनों दोस्त पूजा और राधिका ने कभी नहीं सोचा था कि वो एम्स्टर्डम जाने का झूठ बोलकर इतना कुछ प्लान करेगी। क्या किया स्नेहा? क्यों किया ये? क्यों किया? सबसे बचने के लिए स्नेहा और अर्जुन ने ऐसा रास्ता क्यों चुना जिसने सभी को परेशान किया? हर कोई इसी उलझन और इसी परेशानी में था कि स्नेहा और अर्जुन को अपना नाम बदल कर रहने की क्या जरूरत आन पड़ी, या अर्जुन ने स्नेहा की हत्या क्यों की? अर्जुन और स्नेहा के बैंक अकाउंट से जुलाई 2012 से मई 2013 तक 11 महीने लगातार विड्रॉवल्स किए गए। इन 11 महीनों में अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। कोई मूवमेंट? फोन से पुराना सिम निकालने के बाद उसी फोन में दो नए सिम डाले गए। मतलब स्नेहा और अर्जुन दोनों दो दो नंबर यूज कर रहे थे? जी सर। पहली मूवमेंट चंडीगढ़ की है, 12 जुलाई 2012 से लेकर अक्टूबर 2012 तक, मतलब लगभग 4 महीने ये नंबर वहीं रहे। स्नेहा, देखो मुझे क्या मिला। जॉब मिली क्या? हाँ, वो भी दो दो, हम दोनों के लिए। सच बोलना यार, तो अब चंडीगढ़ में बहुत बोर होने लगा है। तो हमें कौन सा घर बसाना है यहाँ पे? कुछ महीने नौकरी करते हैं ना, तो चले जाएंगे जहाँ पे तुमको जाओ। कुछ महीने भी क्यों रुकना है, बैग्स पैक करते हैं, तुम इन्हें का मैप निकालो, मैं डार्ट फेंकती हूँ, जहाँ निशाना लगा वहाँ चल देंगे। तो तुम्हें पक्का यहाँ पे नहीं रहना है? नहीं, नहीं मतलब मुझे लगा अगर एक साल और रह लेंगे तो क्या जाएगा। 12 महीने होते हैं एक साल में, 365 days, 8,760 घंटे, 4 महीने हो गए यहाँ, अब बस और नहीं। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। मेरा वाला पटना पे लगा है। नहीं यार, पटना नहीं, कोलकाता ही चलते हैं। ठीक है, कोलकाता इट इज। अपनी जिद पूरी कर ली ना तुमने? चंडीगढ़ में दोनों ने एक ही एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, सेक्टर 17 के एटीएम से। उसके बाद गए कहाँ दोनों? फिर सेम फोन में दूसरा नंबर चालू हुआ, नवंबर 2012 से लेकर फरवरी 2013 में, लोकेशन कोलकाता दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम? पहले हम खाना खा लें अच्छे से। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो है ना। अर्जुन सोचो, सोचो अब क्या करेंगे हम? नहीं, मैं खाना खाऊं कि नहीं खाऊं? जरा शांति से खाने दो ना यार। इसे टालने से काम नहीं होगा स्नेहा, हमें कुछ सोचना होगा ना। तो ये पहले सोचना चाहिए था ना, मेरे अकाउंट में बस अब चिल्लर बचे हैं। हाँ तो हमारी जिंदगी तो खत्म नहीं हो रही ना स्नेहा, कुछ ऐसा निकल आएगा। हम लोगों को जाके ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं अर्जुन शर्मा हूँ, तुम स्नेहा पाटिल। याद है ना हमारे बीच क्या डील हुई थी? नाम नहीं बताएंगे तो काम कैसे मिलेगा? कुछ सोचेंगे ना, करेंगे उसके बारे में कुछ। तो करो ना, 8 महीने से बैठे क्यों हो? 8 महीने मैं बोर हो चुकी हूँ 8 महीनों में। अपना झूठा नाम बताते बताते अपना असली नाम भूल चुकी हूँ मैं, अपनी पहचान भूल चुकी हूँ कि कौन हूँ मैं। स्नेहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन पुरानी बात याद करके कोई मतलब नहीं है। हम मिलकर सोचते हैं ना, कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। बस घर की याद आ रही है, मैं दिव्या से अब और झूठ नहीं बोल सकती। इस एम्स्टर्डम की झूठी कहानियां सुना सुना कर थक गई हूँ मैं, जबकि हम यहाँ कोलकाता के इस कमरे में सड़ रहे हैं। शांत रहो ना यार, मैंने कहा ना मैं ठीक कर दूंगा। फिर फरवरी तक कोलकाता के एटीएम से पैसे निकाले गए। फरवरी एंड में कोलकाता में चल रहा नंबर स्विच ऑफ हुआ, उसके बाद अर्जुन शर्मा का वो नंबर सामने आया जो उसने संजीव मिश्रा के नाम से लिया था। क्या लगता है क्या कर रहे थे? पता नहीं सर, आखिरी बार 10 जुलाई को पुणे से पैसे निकाले गए, उसके बाद अकाउंट लगभग खाली हो गया। थोड़ा खा लो। तुम खा लो अर्जुन, मुझे नहीं खानी, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। बोलोगी क्या? कुछ भी,
ठीक है, तुम डिसाइड कर लिया है तो करो जो करना है। तुमने कहा था तुम अपनी बहन से मुंबई का फ्लैट मांगोगे। लाखों रुपए का फ्लैट है स्नेहा, कोई चॉकलेट नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, मैं बात कर रहा हूँ दीपिका से, कोई ना कोई डील हो जाएगी यार। और तब तक क्या करेंगे, पैसे हैं हमारे पास। स्नेहा मैं हूँ ना, मैं करूंगा ना कुछ ना कुछ जुगाड़, तुम भरोसा रखो ना मुझ पर। मैं भी एक साल से यही समझ रही थी अर्जुन, लेकिन ना तुम यहाँ कुछ कर रहे हो, ना चंडीगढ़ में कुछ कर रहे थे और ना ही कोलकाता में। देखो जहाँ से शुरू किया था वहीं आ चुके हैं। हमें ये रिलेशनशिप कभी शुरू करना ही नहीं चाहिए था। स्नेहा मेरी बात समझो, हम ऐसे ही कहीं भी नौकरी नहीं कर सकते, वो भी पुणे में। हमने पहले यहाँ नौकरी की है ना, अगर हम फिर से यहाँ नौकरी करेंगे तो कोई ना कोई पुराना कलीग हमें देख के पहचान लेगा, तो कैसे हैंडल करेगी सिचुएशन को, फंस जाएंगे हम लोग। फंस चुके हैं अर्जुन, हर तरफ से फंस चुके हैं। क्या हुआ स्नेहा, बीमार लग रही हो? हाँ यार, थोड़ा सा काम का प्रेशर है। मैं काम करो, छुट्टी लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे भी एक साल हो गया, एम्स्टरडम जाने के बाद तुमको पुणे की याद नहीं आती क्या? स्नेहा और अर्जुन किन लोगों से दूर भाग रहे? सर मुझे लगता है कि हमें अर्जुन को इनके पुराने ठिकाने पर ढूंढना चाहिए, उनके लिए सबसे सेफ प्लेस था वो, अर्जुन वहां वापस जा सकता है। सर सिर्फ अर्जुन ही है जो हमें बता सकता है कि वो दोनों किन से भाग रहे थे। ये या तो अर्जुन बता सकता है या फिर उसका कजन शरण, ये दोनों चाहिए। किस तरह की लव स्टोरी है कि अर्जुन ही अब बताएगा कि उसने स्नेहा को क्यों मारा? अर्जुन और शरण दोनों को ढूंढते हैं। आपके क्वालिफिकेशंस तो काफी अच्छे हैं, हैदराबाद में पिछली जॉब वो भी अच्छी थी, उसे छोड़कर आप यहाँ पुणे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? मेरी शादी टूट गई थी सर, तो वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। देखिए आपकी पिछली जॉब जितनी सैलरी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप मुझे जो ऑफर करेंगे मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी अच्छी मार्केटिंग पोजीशन छोड़कर मेरे इस छोटे से ट्रेडिंग फर्म को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपने आप पे और अपने काम पे पूरा भरोसा है, मैं 0 to 100 फिर से पहुंच सकता हूँ। पहली तारीख से आ सकते हैं। पुलिस अर्जुन और उसके कजन शरण पांडे की शिद्दत से तलाश कर रही थी और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश में था। पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ में स्नेहा और अर्जुन के ठिकाने पर पहुंची जहां पर वो दोनों पहले रह रहे थे। दूसरी टीम ने उन दोनों के कोलकाता में छिपने वाली जगह का पता लगा लिया था, लेकिन पुलिस ना तो उस जगह का पता लगा पाई जहां अर्जुन था और ना ही पुलिस उसके कजन शरण पांडे तक पहुंच पाई। विनायक जी अर्जुन नहीं पकड़ा गया अभी तक, नहीं पकड़ पाए हम उसको। आप उसे नहीं पकड़ पाए क्योंकि आप उसे नहीं पकड़ना चाहते हो, नहीं आपने उस अर्जुन की फैमिली से कड़ी पूछताछ की है, नहीं उसके कजिन की फैमिली को डराया है। आप समझते क्यों नहीं हो, वो मेरी बेटी का हत्या रहा है। आपकी बेटी भी सब में शामिल है विनायक जी, पहले चंडीगढ़ में उसके बाद कोलकाता में जाकर आराम से रह रही थी, आप तो बोल रहे थे कि एम्स्टरडम में है, आपको तो ये तक नहीं पता था कि वो यहीं पर है, अर्जुन शर्मा के साथ रह रही है जिसने ये सब किया है। अर्जुन को ढूंढते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आप कह रहे हो कि हम अर्जुन को पकड़ना नहीं चाहते। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हो तो अब तक मिला क्यों नहीं आपको? उसने हमसे बताकर मर्डर नहीं किया है, नहीं उसने हमसे ये बताया कि वो कहां जाकर छुपने वाला है। 125 करोड़ की आबादी है इस देश की, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी बेटी और अर्जुन कहां घूम रहे हैं और अपना सफर ऐसे खत्म करेंगे मर्डर करके? एक एक चीज खोद कर हमने बाहर निकाली है और आप कह रहे हो कि हम अर्जुन को पकड़ना नहीं चाहते। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलकर उस लड़के के साथ रह रही है तो मैं खुद जाके उसे जान से मार देता। तो क्या विनायक जी यही वजह थी कि आपकी बेटी और अर्जुन घूम घूम कर अपनी जान बचा रहे थे? आपकी बेटी ने आपसे क्यों झूठ बोला कि वो एम्स्टरडम में, और आपकी बेटी आप लोगों से सिर्फ इंटरनेट पर ही क्यों बात करती थी? ना आपकी बेटी ने अपनी फैमिली से सच बताया, ना अर्जुन ने अपनी फैमिली से सच बताया, और ना ही इन्वेस्टिगेशन से हमें कुछ पता चला, क्यों? देखिए विनायक जी, हमने अभी तक हार नहीं मानी और हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक अर्जुन और शरण को पकड़ नहीं लेते। हम भी उसे पकड़ कर ये जानना चाहते हैं कि उसने स्नेहा के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मारा उसको? हेलो दीपिका, शरण कहाँ हो तुम? मत पूछ दीपिका। शरण पुलिस मेरा फोन टैप कर रही है। और मत भागो, पकड़े जाओगे तुम।
और भागने को मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा। पुलिस वालों ने तुम्हारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे कार्ड बंद करवा दिए हैं। वापस आके सरेंडर कर दो। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है शरण? तुम दोनों की वजह से हमारी फैमिली को कितना परेशान किया जा रहा है, तुम्हें पता भी है? क्या कर दिया तुम दोनों ने? मैंने कुछ नहीं किया यार, प्लीज बचा ले यार मुझे। मैंने कुछ नहीं किया सच में यार। कहाँ है शरण? महबूब, कोल्हापुर में। तुरंत पुलिस को फोन करो। माँ, उसने कहा है कि वो खुद ही आके सरेंडर कर देगा। नहीं, मुझे अब इन लोगों पे भरोसा नहीं रहा है। दीपिका, पुलिस को बता दो अभी के अभी। देशमुख, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ना मुझे दीपिका पे भरोसा है, ना शरण पर। तुम तुरंत कोल्हापुर पुलिस की मदद लो। शरण की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करो, इससे पहले कि वो भागे उसे पकड़ लो। आई एम श्योर उसे पता होगा कि इस वक्त अर्जुन कहाँ है। बता कहाँ है अर्जुन? मैं नहीं जानता सर, उसने नहीं बताता कि वो कहाँ जाने वाला है। सब जानता है तू शरण, तुझे ये भी मालूम था कि स्नेहा और अर्जुन पुणे में ही रह रहे थे और अर्जुन मर्डर करने वाला था उसका? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं था सर, मुझे बस इतना पता था कि अर्जुन मुसीबत में है। शरण, एक चीज में हेल्प चाहिए यार, लेकिन कसम का तू किसी को कुछ नहीं बताएगा इसके बारे में। क्या किया तूने? डरा क्यों रहा है? गड़बड़ हो गई है यार, राज को राज रखना है। पहले बता तो किया क्या तूने? मर्डर हो गया मुझसे भाई। क्या बकरा भाई, किसको मारा और तू है कहाँ? पुणे में हूँ भाई। हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे, लेकिन मेरे से मर्डर हो गया यार। प्लीज मेरी मदद करने वाला, पुलिस मुझे आके लेके जाएगी यहाँ से। दिमाग खराब है क्या तेरा? किसको मारा और क्यों? लड़की है, स्नेहा नाम है उसका। स्नेहा? तुझे मालूम था मरने वाली लड़की स्नेहा पाटिल? न्यूज़पेपर भी देखा होगा तूने, तू सब जानता था शरण। जानता था सर, उसने कार लाने को कहा था डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। नहीं नहीं अर्जुन, मुझे मत घसीट भाई इसमें। प्लीज शरण ऐसे मत बोल यार, तेरे अलावा कोई नहीं जो मेरी हेल्प करेगा यहाँ पे। मैं कोई मदद कर ही नहीं सकता यार, और तूने ऐसा किया ही क्यों? बस हो गया ना यार, मैं क्या करूँ अभी। है कौन ये स्नेहा? भाई मैं तुझे सब बता दूंगा, मैं तुझे अभी एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तू अभी के अभी गाड़ी लेके यहाँ पे आ जा। मैं ये बॉडी को सारा टाइम तक रख नहीं पाऊंगा। अर्जुन मैं भाई मैं आ ही नहीं रहा, तू अपना देख ले भाई। मैं नहीं जानता उसने आगे क्या किया, बॉडी को कैसे लेके गया। भोला मत बन शरण, पेपर में छपा था स्टेशन के पास सूटकेस में लाश मिली है। पेपर देखा था मैंने, पर नहीं जानता था कि ये अर्जुन का किया है। अगले दिन जब उससे मिला तब भी उसने कुछ नहीं बताया सर। तू अगले दिन अर्जुन से मिला था? पैसे मांग रहा था वो। बोल दे भाई, तूने कल रात जो भी कहा था सब झूठ था। मैंने झूठ नहीं कहा था शरण, पता नहीं कैसे हो गया यार, पैसे लाए थे। बीस हजार ही थे मेरे पास, अभी के लिए इतना काफी है। पर तूने ऐसा किया क्यों? और कौन थी वो लड़की? तू कहाँ था इतने दिन? शरण मैं अभी नहीं बता सकता, मुझे जाना होगा यार। पर जाएगा कहाँ तू? तू घर क्यों नहीं जाता मेरे साथ? देख अर्जुन कहाँ भागेगा। तुझे इसके बारे में घर पे किसी को बताना नहीं है, ना माँ को ना दीपिका को। प्रॉमिस किया था ना तूने मुझे, इस बात को यही दबा दे अभी। भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, डर लग रहा है तेरे लिए और मेरे लिए। मुझे भी बहुत डर लग रहा है यार, लेकिन भागूंगा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तू किसी को बताएगा नहीं ना इसके बारे में? उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जाने वाला है। बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि सूटकेस में बॉडी मिली है,
पर उसमें नाम नहीं था। बाद में जब नाम आया तो मैं समझ गया कि अर्जुन ने इस लड़की का कत्ल किया है। कहाँ है अर्जुन? सर उसने कांटेक्ट नहीं किया, मेरा फोन भी बंद था। तुझे लगता है ये बोलने से तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी? तुझे जाने नहीं देंगे जब तक हमें अर्जुन नहीं मिल जाता? मैं नहीं जानता सर वो कहाँ है, मैं बस फंस गया इसमें सर। कुछ नहीं छुपाना चाहिए था मुझे, पर मैं क्या करता सर, भाई है वो मेरा। किलर है, वांटेड किलर। तूने किलर की भागने में मदद की बेटा, तू तब तक यहां से नहीं जा पाएगा जब तक हमें ये नहीं बता देता कि अर्जुन कहां है। मुझे नहीं पता सर वो कहां है। शरण की बेगुनाही की तो बात मत ही कीजिए, अगर इतना यकीन था तो बकाया क्या उसको? सर शरण ने कुछ नहीं किया है, उसे जो पता था बता रहा है ना वो। लेकिन जब बताना चाहिए था तब नहीं बताया। लेकिन शरण ने तो मर्डर नहीं किया था। कानून की नजर में जुर्म छुपाने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है जितना जुर्म करने वाला। आईपीसी की धारा क्या क्या लगती है बताऊं आप लोगों को? देखिए अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करना है कोर्ट करेगा। केक साफ किया ना तो आई को शक हो गया था कि हमारा चक्कर काफी आगे बढ़ चुका है। सोचो जरा, कहीं उन्हें पता चल जाए कि हमारे बीच ये सब कुछ हो चुका है तो। मैं सोच रहा हूं अगर सच में उनको पता चल गया तो उसी दिन से तन मन की शुद्धि के लिए आई दिन रात मुझे प्रवचन और ताने सुनाती रहेंगी, इतना कि वो सब झेलने से अच्छा होगा कि मैं भाग जाऊं। चलो भाग चलते। अच्छा तो तुम्हें इससे भी ज्यादा चाहिए? मैं सोच रहा हूँ शादी कर लेते। और तुम्हारी आई वो मानेंगी? पता नहीं, लेकिन जो भी हो हम साथ रहेंगे। भाग चले। हाँ यार, सबसे दूर, लोगों से दूर, डर से दूर, नई जिंदगी की शुरुआत करते इन सबसे दूर। आइडिया तो रोमांटिक लग रहा है। हमारे आई बाबा मानेंगे हमारी शादी के लिए? तुमने सोचा भी कैसे, आई ने इतने में ही कामा सूत्र का पहला अध्याय लिखना शुरू कर दिया। तुमसे शादी का बोलूंगी तो जीना आराम कर देंगी मेरा। फिर तो भागना बनता है। मैं रिस्क नहीं ले रहा। किसी को कुछ नहीं बताएंगे? ऐसे नहीं बताएंगे कि जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताएंगे। मतलब फिर क्या बताएंगे? वो तो ना कि तुम एम्स्टरडम जा रहे हो। एम्स्टरडम? तुम्हारा चाचा रहता है वहाँ। अरे होते भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें सिर्फ बताना है, जाना नहीं है वहाँ पे। और तुम क्या बोलोगे, नेपाल जा रहे हो? मुझे कौन पूछने वाला है कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, मुझे कोई नहीं पूछेगा। एम्स्टरडम आइडिया तो अच्छा है और काम भी करेगा। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें अच्छी जॉब मिली है वहां। अर्जुन की फैमिली की फोन टैपिंग रुकनी नहीं चाहिए थी। आई एम श्योर वो कभी ना कभी अपनी फैमिली को कांटेक्ट जरूर करेगा। पता नहीं सर, गायब होने के इतने महीनों बाद भी कहां कांटेक्ट किया अर्जुन ने। नेहा झूठ बोल करी सही, टच में तो थी अपनी फैमिली के। नहीं पोस्टिंग पर जा रहा हूँ, लेकिन ये मलाल दिल में रह गया कि मैं उसको पकड़ नहीं पाया। क्लियर है सर, चातिर भी और अलर्ट भी, शायद बांग्लादेश या नेपाल निकल गया। मेबी, चलता हूँ। रूटीन ट्रांसफर हुआ और इंस्पेक्टर आशीष कुलकर्णी इस केस से दूर होने से बाहर शोलापुर चले गए और इस केस की फाइल अपने अंत के इंतजार में धूल चाटने लगी।
चलता हूँ लेकर। स्नेहा पाटिल का परिवार हमेशा इसी सोच में रहा, स्नेहा आखिर ऐसे क्यों भाग गई और मारी गई। अर्जुन की फैमिली को भी नहीं पता चला कि वो कहां था और उसने ये हत्या क्यों की। अर्जुन के कजन शरण पांडे पर मर्डर सस्पेक्ट अर्जुन को भगाने का केस चला, जिसमें उसे बेल मिल गई। ताज्जुब था कि अर्जुन कभी भी पुलिस की रडार में नहीं आया। 2014, 2015, 16, 17, 18 तारीख बदलती रही, पर इन तारीखों में अर्जुन के बारे में पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। क्या यह एक परफेक्ट क्राइम था, क्योंकि कानून उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाया? पर क्या अर्जुन इस मर्डर से बच पाया? स्नेहा पाटिल की हत्या के बाद वो 5 साल तक छिपा रहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जिसका जिक्र कानून की किताब में भी नहीं है। डॉक्टर वाघमारे, मैं रविशंकर दीघे, आइए। पेशेंट परसों एडमिट हुआ है, उसके किडनी और लीवर बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। ओह माय गॉड, मैंने उसे फोन किया था, उसने उठाया नहीं। पेशेंट ने बताया कि उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है। आपका नंबर दी? हाँ डॉक्टर, उसका परिवार नहीं है, उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं है। मिस्टर रवि, उसके पास भी बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, ऑर्गन्स इतने डैमेज हो चुके हैं कि कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं। उसे इस बारे में पता है? शायद उसे पता होगा, क्योंकि वो खुद आकर एडमिट हुआ है। उसे अंदाजा होगा कि वो बच नहीं सकता। पता नहीं तुमको ये बताना चाहिए या नहीं। एक एहसान कीजिए सर। हाँ बोलो, क्या चाहिए? एक नंबर है, अभी शायद चालू ही होगा, उस नंबर पर कॉल लगाइए और मेरी माँ को बताइए कि मैं मर रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो पुनीत? तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। झूठ बोला था सर मैंने, ऐसे बहुत सारे झूठ बोले हैं मैंने, और मेरा नाम पुनीत नहीं है, अर्जुन शर्मा है। उस नंबर पर कॉल लगाई और मेरी माँ को तुरंत बुलाई, 4740-3629। सर, अर्जुन शर्मा का पता चला है। अर्जुन शर्मा, वो स्नेहा पाटिल केस, वो स्टेशन टैटू वाला अर्जुन शर्मा? जी हाँ, किसी ने मोबाइल से फोन किया, बोला अर्जुन हॉस्पिटल में एडमिट है, आनंद गोरे हॉस्पिटल, चंदा नगर पुणे वाला आनंद गोरे हॉस्पिटल। यस सर। मैंने दीपिका से बात की। तुमने कॉल किया उसको? हाँ, मैंने बोला था ना। क्या बात की तुमने? फ्लैट बेच दो या तो मैं केस कर दूँ। नहीं, मैं बात कर रहा था ना। हाँ तो बात करो अर्जुन, लेकिन सिर्फ बात की मत करो, जरा आगे भी बढ़ो। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, कोई मजा नहीं है इसमें। हाँ तो मैं भी तंग आ चुका हूँ स्नेहा। मैं घर वापस जा रही हूँ। वापस जाके क्या बोलूंगी? यही कि जबरदस्ती रखा गया था मुझे, एम्स्टर्डम वाला झूठ बुलवाया गया था। मैंने दीपिका से बात की। नहीं, मैं बात कर रहा था ना। हाँ तो बात करो अर्जुन, लेकिन सिर्फ बात की मत करो, जरा आगे भी बढ़ो। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती थी, कोई मजा नहीं है इसमें। हाँ तो मैं भी तंग आ चुका हूँ स्नेहा। मैं घर वापस जा रही हूँ। वापस जाके क्या बोलूंगी? यही कि जबरदस्ती रखा गया था मुझे, एम्स्टर्डम वाला झूठ बुलवाया गया था। मतलब मैंने तुम्हें जबरदस्ती रखा यहाँ पे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया अर्जुन, खंडर बना दिया इसे। अच्छा, तुमने मेरा जीना आराम नहीं किया? तुमने शुरू किया था, सपने दिखाना, भागने को कहा। इतनी दिक्कत है तो तुमने मुझे पहले मना क्यों नहीं किया? दिमाग खराब हो गया था मेरा, लेकिन अब ठिकाने पर है। मुझे तुम्हारे साथ इतना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था।
आदेश हो, खावा ही हो। फाइन सर, आप कैसे हैं? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या चल रहा है? और सर, वो अर्जुन शर्मा केस में एक न्यूज है, आपको इंटरेस्ट भी होगा उसमें। कहाँ है वो? उस साले से तो मैं लॉकअप में मिलूंगा। नहीं मिल पाएंगे सर, यहाँ पुणे में आनंद गोरे हॉस्पिटल में मिला था वो। हम भी उससे कुछ पूछ नहीं पाए, जब तक हम वहाँ पहुँचे वो मर चुका था, किडनी लीवर बुरी तरह डैमेज थी। छिपा हुआ कहाँ था ये अर्जुन इतने दिन तक? हमारी नाक के नीचे पुणे में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चंदन नगर में था। और हम अपना घर छोड़कर इसे पूरी दुनिया में ढूंढते रहे। सर मुझे कभी पता ही नहीं चला कि ये वांटेड क्रिमिनल अर्जुन शर्मा होगा। उसने पुनीत गोयल के नाम से सर्टिफिकेट दिए थे, एक अच्छा वर्कर, अच्छा इंसान, अपने काम से मतलब रखने वाला। कोई सोच नहीं सकता था कि ये कोई क्रिमिनल होगा। उसने कहा था उसकी फैमिली नहीं, लेकिन जब उसने अपनी माँ और बहन से बात की तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ था। अर्जुन ने कुछ बताया था कि इसने स्नेहा को क्यों मारा और भागे क्यों थे ये लोग? नहीं, बस इतना ही बोला मार दिया था उसे, और उसके बाद कभी जी नहीं पाया। ये बीमारी की बात भी उसने मुझे नहीं बताई, सीधे हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गया। लेकिन कम से कम अर्जुन ने अपनी माँ या बहन से कुछ तो कहा होगा, उसने स्नेहा को क्यों मारा, वो लोग क्यों भागे थे? नहीं, एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था, हमसे कुछ पूछ लिया। हमें अब कैसे पता चलेगा कि उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया ही क्यों था? नहीं पता चलेगा, कभी पता नहीं चल पाएगा। आखिर ये दोनों क्यों भागे थे? इन्होंने नाम क्यों बदला था? और ऐसी जगह की कहानी क्यों बताई जहां वो कभी गए ही नहीं? सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि उनके माँ बाप उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर सच यही है कि उनकी इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना फ्रस्ट्रेशन, उनकी अपनी सोच थी कि वो एक नहीं हो पाएंगे। ना तो ये रिश्ता उन पर किसी ने थोपा था और ना ही उन्होंने जो किया उसके लिए किसी ने उन्हें कुछ कहा था। सबसे दुखद बात यही थी कि उनके अपने फ्रस्ट्रेशन ने पहले स्नेहा को और फिर अर्जुन को भी मार दिया। अर्जुन ने अपनी बची हुई जिंदगी किसी और के नाम के सहारे गुजारी। उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान मिटाने का फैसला किया, पर उन्हें जो कुछ भी मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन दोनों ने अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात की? जो मन में आया सिर्फ वही क्यों करते गए? अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ने ऐसा रास्ता क्यों चुना? बाहर से आने वाले खतरों को देखा जा सकता है, चाहे ये किसी चीज की अतिशयोक्ति हो या कोई दूसरी प्रतिक्रिया, लेकिन भीतर के खतरे खुद अपने कदमों से पैदा हुए खतरों का पता नहीं चलता है। ये जानते हुए भी कि वो एक पॉइंट था जहां से वापसी संभव थी, पर फ्रस्ट्रेशन में इसका एहसास नहीं हुआ, जबकि इसी से सतर्क रहने की जरूरत थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।